आज हम मटर पनीर की सब्जी बना रहे हैं। मटर पनीर की सब्जी सभी को खाना बहुत पसंद होता है और सभी लोग बनाते भी हैं। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैं किस तरह से इसे बना रही हूँ ये मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने दो प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, एक इंच अदरक का टुकड़ा और चार ये बड़ी लहसुन की कलियां ली हैं, दो टमाटर लिए हैं, मटर लिए हैं एक कटोरी, ये फ्रोजन मटर हैं, आजकल फ्रेश मटर भी आए हुए हैं आप वो भी ले सकते हैं, और यहाँ मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। टमाटर अदरक और लहसुन को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है, अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूंगी। यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें पनीर फ्राई कर लेंगे। सभी टुकड़ों को मैंने पलट भी दिया है और ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ कढ़ाई में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटक गया है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। उससे पहले हम गैस को थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ मैं 1 चम्मच देगी मिर्च का डाल रही हूँ, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 चम्मच मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का हल्का इन्हें भून लेंगे। इस वक्त गैस का सेक मैंने कम कर दिया है। सभी मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब मैं यहां इसमें टमाटर की प्यूरी डाल रही हूं। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमने इसमें टमाटर डाले हैं नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, मैंने यहाँ 1/2 चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ मैंने जार में 1/2 कप पानी डाल दिया है, इसी जार को वॉश करके हम थोड़ा पानी मसाले में डाल देंगे। मसाले को एक बार चेक कर लेते हैं। मसाले का कलर और टेक्सचर दोनों इतने अच्छे आए हैं कि इसे देखते ही खाने का मन करता है। कसूरी मेथी का टेस्ट सब्जी में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो अपनी हर सब्जी में कसूरी मेथी जरूर डालती हूँ। अब मैं यहाँ मटर डाल रही हूँ। थोड़ी देर के लिए हम मटर भी मसाले के साथ भून लेंगे। मटर को मसाले के साथ भूनते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं, अब एक बार देख लेते हैं। मटर हमारे
भून गए हैं, हमें बस इन्हें इतना ही भूनना है। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपने अंदाज से भी डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी डाल दें। मैंने यहाँ तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया है। गैस को मैंने पहले कम किया हुआ था, अब फिर से इसको हाई पे कर देंगे। पानी में उबाल आ जाए तो हम इसमें पनीर डाल देंगे। अब हम इसमें पनीर भी डाल देते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए हम इसे फिर से पका लेंगे, या जब तक कि मटर पूरी तरह से गल ना जाए। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल रही हूं। तीन से चार मिनट के लिए हम इसे और कुक कर लेंगे। मटर पनीर को कुक होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। यहां मैं इसको कसूरी मेथी और हरे धनिया से गार्निश कर रही हूं। ढक कर रख देंगे ताकि सारे फ्लेवर आपस में घुल मिल जाएं।